कर दिया। हर एक बार भी चेपुलगुंडा में कम वोट आ रहे हैं, ये बार तो बराबर दिल से सपोर्ट करके आप लोग पूरा, ये बार तो आप लोग पूरे दिल से सपोर्ट करके एमएलए के नाते कंटेस्ट कर रहा हूँ मैं, कंदीकूट वेंकट प्रसाद, आप मेरे को एमएलए का वोट दीजिए और बीके पारसानी साहब जो है हिंदूपुर पार्लियामेंट मेंबर के जैसा कंटेस्ट कर रहे हैं उनको भी आप साइकिल को वोट दीजिए, दो वोट भी साइकिल को वोट दीजिए और दिल से अपना ये तेलुगु देशम पार्टी को पहले से इधर अच्छा सपोर्ट मिलते है उधर अलग से रहते, ऐसा नहीं पूरा मिलकर करने का और नया ताकत भी मिल रहा है हम लोगों को तेलुगु देशम पार्टी को, जैसा मौला भाई है और नरसिम्हलन्ना है, पूरे लोग आप मिलकर आगे जा रहे हैं, नागभूषण भाई पूरे लोग साथ में आ रहे हैं, पूरे लोग मिलकर कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करो, दुआ में भी याद रखो जरूर कोई आके मजहब से मजहब के हिसाब से भी ललकारने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल मजहब के हिसाब से आप सोचिए मत, कभी भी तेलुगु देशम पार्टी मुसलमान भाई बहनों के लिए दिल से सोच रहे हैं, आप लोगों का खिदमत करने के लिए जिंदगी में जो शादी रोग होता है ये इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये शादी के लिए भी गरीब लोगों में पहले तेलुगु देशम के पार्टी के हुकूमत में आपको 50,000 रूपए दुल्हन का स्कीम से मिल रहे थे, जगनमोहन रेड्डी ने बोल दिया कि मैं ₹1,00,000 वाईएसआर दुल्हन पथकम बनाता हूँ बोल के 4 साल बिल्कुल अंजान मार दिया उसको, 4 साल के बाद जो बोला वाईएसआर दुल्हन पथकम मैं लागू कर रहा हूँ बोल के, लेकिन कंडीशन सप्लाई 10वां क्लास पढ़ना करते बच्ची, मिनिस्टर को 10वां क्लास का जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर को 10वां क्लास का जरूरत नहीं, लेकिन एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी करने के लिए तो 10वां क्लास का जरूरत पड़ा इनको, मतलब टोपी डालने के हिसाब से दुल्हन पथकम लागू किया इन्हें, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी जो है आप रमजान का तोहफा भी दिए आप लोगों को, दुकान मकान स्कीम लगाए, माइनॉरिटी वेलफेयर कॉर्पोरेशन से आप लोगों को पैसा भी दिए बिजनेस करने के लिए, और विदेशी विद्या के नाम से आपके बच्चे जब बाहर जाके पढ़ने के लिए सोचते हैं तो 25 लाख तक भी लोन देने का स्कीम था तेलुगु देशम के हुकूमत ने, इतने सारे तमाम वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम जो है आप लोगों को खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लागू करे तेलुगु देशम हुकूमत ने, आज भी आप लोगों से इमाम मोजनों का तनख्वाह गौरव वेतन जो है तेलुगु देशम पार्टी ने किया, और रमजान के महीने में जो मस्जिदों का चुना लगाने का काम तो तेलुगु देशम हुकूमत ने चंद्रबाबू साहब ने किया, कभी तेलुगु देशम के हुकूमत में कोई एक मुसलमान का पूरा खानदान जाके रेलवे ट्रैक में सुसाइड नहीं करे, खुदकुशी नहीं कर लिए, लेकिन ये हुकूमत में चले नंदयाल में और मिजवा बोल के एक बच्ची क्लास में फर्स्ट रैंक में रहा तो दूसरे जगह पे जो है वाईएसआरसीपी लीडर का एक बच्ची रहा तो उनको फर्स्ट रैंक देने के लिए दबाव दिया तो वो बच्ची सुसाइड कर लिए मिजबा बोल के, मतलब ये जगनमोहन रेड्डी के हुकूमत में जो है कभी मुसलमानों का सुरक्षा नहीं है, आप लोगों का हिफाजत नहीं कर सक रहे जगनमोहन रेड्डी का हुकूमत, कभी भी आप लोगों का हिफाजत के लिए सोचे तेलुगु देशम हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू साहब ने, और आप लोगों का उम्मीद ये आश्वासन दे रहा हूँ कि हर एक मंडल में भी शादी महल बनाएंगे हम लोग, ये आने वाले 5 साल में आप लोग ये चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम को दिल से अपना ये आने वाले दिनों में हुकूमत बैठेंगे तेलुगु देशम पार्टी का, तेलुगु देशम हुकूमत आएगा, आप लोगों को दिल से बोल रहा हूँ कि और आश्वासन दे रहा हूँ कि हर एक मंडल में भी मुसलमान भाइयों के लिए छोटा मोटा टूटा फूटा नहीं है, एकदम दिल से हमारा दिल जितना बड़ा है उतना बड़ा शादी महल बना के देंगे हर एक मंडल हेडक्वार्टर्स में भी बोल के आप लोगों को, और इमाम मौजनों के लिए भी आश्वासन दे रहे, हम लोग चंद्रबाबू नायडू साहब जब खदरी आए थे तब मैं जबरदस्ती उनसे मुंह से भी निकालो बोलने फरमाए कि जिधर जिधर खेड़ों में
मस्जिदों में इमाम मौजना है उन लोगों के लिए एनटीआर हाउसिंग स्कीम के हिसाब से घर भी बना के देंगे बोल के बिल्कुल इमाम मौजना के लिए जिधर भी जी रहा है वो लोग छोटे से छोटे गांव में भी उधर जरूर एनटीआर हाउसिंग स्कीम के हिसाब से उनको खास घर बना के देते हैं। तेलुगु देशम हुकूमत आने के बाद बोल के आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इतना सारे चीज आप लोग के लिए सोच रहे हैं आप लोग दिल से अपना ये। और एक बात, साइकिल को वोट दीजिए, दोनों वोट भी साइकिल को दीजिए, आने वाले चुनाव में एकदम फर्स्ट क्लास मेजोरिटी से आप लोग तेलुगु देशम पार्टी कैंडिडेट्स को, एमएलए कैंडिडेट को, एमपी कैंडिडेट को जिताइए बोल के आप लोगों से गुजारिश करते हुए मौके के लिए आप लोगों के शुक्रगुजार हूं।